कैसे हैं आप? आज है एक और नया दिन, फिर कंटिन्यू करती हूँ अपना ब्लॉग। तो देखिए, गुड़िया भी उठ चुकी है, अपने ना ये पिल्लों को देख रही है साथ में पड़ा ना पिल्लों से देख रही है। अच्छा, आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, मतलब जो मतलब हमारे बालों के लिए बेस्ट हेयर मास्क। तो आज मैं वो मैंने बना के रख लिया है, मतलब जैसे मेहंदी होती है ना, जो हरी मेहंदी होती है मतलब हर्बल मेहंदी, वो ली है। उसमें मतलब एलोवेरा मिक्स किया है और चाय पत्ती वाला पानी मिक्स किया है, और कुछ मिक्स नहीं करना। अगर आपके पास अगर विटामिन ई का कैप्सूल है वो भी इसमें ऐड कर सकते हो, मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं किया। तो सिर्फ मैंने एलोवेरा और चाय पत्ती वाला पानी वही ऐड किया है उसे मिक्स करके। तो अब मैं लगाऊंगी अपने बालों पे मेहंदी, अभी नहीं लगाऊंगी, थोड़ी देर के बाद लगाऊंगी जब हस्बैंड ड्यूटी चले जाएंगे और काम वगैरह करके फ्री होकर फिर लगाऊंगी। तो आपको भी दिखाऊंगी मैं उसका रिज़ल्ट कैसा है, लगाते टाइम भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से लगाती हूँ मैं अपने बालों में मेहंदी, क्योंकि ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा मतलब झड़ रहे हैं, मतलब इतनी मोटी मेरी चोटी होती थी, अब देखो कितनी पतली रह गई है, और झड़ भी काफ़ी रहे हैं बाल मेरे, बहुत झड़ रहे हैं। मतलब अगर अपने कंघी करती हूँ ना बालों में कोम करती हूँ तो इतने बाल निकल रहे हैं, तो इसीलिए भी मैंने मेहंदी लगाने की सोची। वैसे मैं पहले लगाती थी, फिर मैंने छोड़ दी थी लगाना, क्योंकि फिर लाल लाल बाल हो जाते थे ना मेरे थोड़े, मतलब वैसे तो सिल्की बाल होते हैं उससे, फिर अब फिर लगानी पड़ेगी अपने बालों को थोड़ा सुधारने के लिए। तो इसलिए चलो आपको भी दिखाती हूँ मैं किस तरह से लगाती हूँ मेहंदी, पर अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। तब तक आप देखिए, थोड़ा बहुत दिखाती हूँ आपको मैं। गुड़िया को सुला दिया है मैंने, 10 बज चुके हैं, गुड़िया को सुला दिया है, हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी। लगा लेती हूँ झाड़ू, बाकी घर में तो लगा दिया है ना, बस यहीं पे रहता है। तो झाड़ू लगा के फिर लगाते हैं सी बालों को मेहंदी। तो चलिए देखिए, ये बोलिए मैंने मेहंदी, ये देखिए ये मेहंदी का टेक्सचर है, और ये एलोवेरा मैंने अभी इसमें मिक्स किया था, रात को नहीं करके रखा था मिक्स, मतलब अभी किया है मिक्स। लगाती हूँ पहले क्या करूँगी, और मैं ग्लव्स के साथ लगाऊंगी मेहंदी, अगर कुड़ियर लग गई रोने मेहंदी कैसे लगाऊँ। देखिए बेटा मत रो, प्लीज़ मम्मा को काम करने दो थोड़ा सा, प्लीज 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 इसे चुप करा ले तू पहले ना, फिर लगाती हूँ इसके साथ लगाऊंगी मैं मेहंदी। करवा लेते हैं इसे चुप, आजा बेटा आजा, हाँ आजा बेटा, मेरे बेटू। गुड़िया को यहाँ चुप करा के अब मैं लगा रही हूँ फटाफट से मेहंदी इससे इसके रोने से पहले। तो चलिए पहले मैं फोन सेट कर लेती हूँ जरा, 2 मिनट। देखिए बाल मेरा मेरा ना जो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे बालों में ना, और मैंने ये वाली कॉम रखी है अपने बालों के लिए, ताकि कम से कम मेरे बाल टूटे। अब मैं क्या करूँगी आपको बताती हूँ क्या करूँगी मैं। जो मैंने ये एलोवेरा इसमें डाला है ना, ये निकाल लिया था, और ये इसको फिर स्कैल्प में अच्छे से रगड़ लूँगी, ताकि बालों में थोड़ी सी शाइनिंग आए। उसके बाद अपने सिर पे अप्लाई करूंगी मैं मेहंदी, वेस्ट क्यों करना ये, इसीलिए ये वाला इसमें ज्यादा है, इसे काट लेती पहले थोड़ा सा मैं, क्योंकि बड़ा यूज करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आप हो सके तो अपने स्टिप्स भी लगा लेना, ऐसे पूरे बाल में रगड़ लेना ये एलोवेरा, क्योंकि ये भी एक बेटर मतलब बहुत अच्छा हेयर मास्क है एलोवेरा, मेरे बालों के लिए ना बहुत अच्छा है। तो मैं इसे लगा लूँगी अपने बालों में अच्छे से, कर लिया मैंने अप्लाई। तो अब मैं
पहन लूँगी अपने ये ग्लव्स, एक हाथ में पहनूंगी क्योंकि एक हाथ से लगाऊंगी मेहंदी। तो पहन लिए मैंने ग्लव्स, अब देखिए किस तरीके से लगाती हूँ। मैं बीच में से मतलब मांग निकाल लूँगी अपनी, ऐसे मांग निकाल के पहले मैं ये वाला पोर्शन पूरा करती हूँ, फिर मैं ये वाला पोर्शन पूरा करूँगी। ठीक है, आपके सामने लगाऊंगी मैं। ओ सॉरी, मैंने नीचे रखा है, मतलब मेहंदी गिरेगी तो नीचे इसके ऊपर ही गिरेगी। मेरा दूसरा हाथ खराब लग रहा है, मेरे को हो जाएगा ऐसे फोन के साथ। ऐसे मैं स्कैल्प निकाल निकाल के मेहंदी लगा लूंगी। मेहंदी लगाने के बाद दिखाती हूँ आपको कैसी मेहंदी लगी। ये लगा ली मैंने मेहंदी, देखिए क्या बन गई हूँ। मेहंदी लगाने के बाद ना मैंने ये पन्नी होती है ना पॉलिथीन, ये अपने बालों में पूरा कवर कर लिया था ताकि मतलब मेहंदी इधर उधर ना लगे, और ऊपर से मैंने चुन्नी लपेट ली क्योंकि अजीब सा ना लगे। इसीलिए अब सिर्फ मैं 2 घंटे के लिए, ये देखो ये देखो बोल रही हूँ मेरे को उठाने के लिए, अब सिर्फ मैं 2 घंटे लगे रहने दूंगी। देखिए 10:30 हो चुके हैं, अब मैं सिर्फ इसे 12:30 बजे धो लूँगी, ज़्यादा देर नहीं लगे रहने दूंगी क्योंकि फिर रंग नहीं चढ़ाना है, मैं तो बाल ठीक करने हैं। रंग के लिए नहीं लगा रही मेहंदी, मैं सिर्फ अपने बालों के लिए लगा रही हूँ। क्या बोलते कि मतलब जो सबसे बेस्ट कंडीशनर रख लो एलोवेरा, और सबसे बेस्ट हेयर मास्क रख लो मतलब मेहंदी, ये सबसे अच्छा होता है बालों के लिए। बाकी कुछ मर्जी लगा लो अच्छा लगेगा, फिर वो आपके बालों में साइड इफेक्ट देंगे। ये मेहंदी कभी नहीं देती है, हरी मेहंदी, हर्बल मेहंदी, दूसरी नहीं, कलर वाली नहीं, ये वाली सबसे अच्छी होती है बालों के लिए, तो मैंने इसलिए मैंने ये लगाई है। बाकी दिखाती हूँ आपको मैं अपना मतलब ये ज़रा वॉश करके कि हाँ जब ये वॉश करना है तो शैम्पू के साथ वॉश नहीं करना है, वैसे सादे पानी से धोने अपने बाल, शैम्पू नहीं लगाना है नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो चलो 2 घंटे के बाद मिलती हूँ मैं आपको इसको चुप कराने के बाद। बेटू वो देख रही है, तो मिलती हूँ आपसे मैं इसे चुप कराने के बाद। देते हैं गुड़िया को मालिश करने के बाद, इसे नहलाएंगे अच्छे से तभी सोएगी, ऐसी नहीं सोने वाली वाली ये इसकी कर देती हूँ मैं अच्छे से मालिश। ये मेहंदी निकल रही है मेरी, यहाँ देखिए थोड़ी थोड़ी थोड़ी, यहाँ देखिए मेहंदी निकल रही है मेरी, अच्छे से कर दूंगी मैं साफ। तो करती हूँ उसकी मालिश, फिर नहलाती हूँ इसे। देखिए गुड़िया सो चुकी है, बैठ के ऊपर सो गई है, और मेरी मेहंदी ना सारी मतलब यहाँ से टपक रही है, ये ना मेरे से पतली हो गई थोड़ी ना, इसीलिए सारी टपक रही है। मैं धो लूँगी इसे 12 बजे, मैं नहीं रखूँगी 12:30 बजे तक। और अब खा रही हूँ मैं खाना क्योंकि भूख लगने लग पड़ी, जो सुबह खाती हूँ दूध पीती हूँ और एक आधा फुल्का खा लेती हूँ, आपको पता ही है जैसे आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही है, अपने पति देव के साथ हस्बैंड के साथ एक आधा फुल्का खा लेती हूँ, उसके बाद फिर अब खा रही हूँ मैं खाना, भूख लगने लग पड़ी काफ़ी ज़ोर से। उसके बाद करती हूँ अपने बालों को वॉश, क्योंकि देखिए लीक बार बार लीक, सारा गला ख़राब हो गया, मैंने सारा यहाँ से लीक हो रही है बार बार। तो मैं सिर्फ धोने का, देखिए 12:30 हो चुके हैं, हम धो लेती हूँ कि देखो सारा गला, मैंने थोड़ा वेट कर ही लिया था, मैंने बोला इतनी देर अगर मेहंदी लगाई थोड़ा वेट कर ही लेती हूँ जल्दी कि धोना कुछ असर तो हो जाए। देखिए गुड़िया को सुला दिया है क्योंकि बार बार उठी जा रही थी, उठी जा रही थी, सुला दिया है, मैं फटाफट से धो लेती हूँ अपना सिर, थोड़ा गला खराब है। मैंने बाल्टी लगा दी थी, मैं धो लेती हूँ सिर। देखिए अब मैं आ गई थी बाथरूम में अपना जो बालों को अच्छे से वॉश करने के लिए, बाल्टी मैंने पहले भर दी थी, अब मैं क्या करूँगी जो फटाफट से ये अपने बालों को धो लूँगी। मैंने जो पॉलीथीन लगाई थी वो भी हटा दी, बालों से क्लचर लगाया था वो भी हटा दिया, अब बालों को बिना साबुन या शैम्पू के बिना ही मैं ऐसे ही धो लूँगी।
देखिए काफ़ी टाइम लगता है ऐसे धोने में ना, क्योंकि मेहंदी जाती नहीं है बालों से। और देखिए अच्छे से करना है वॉश, मतलब ज़रा भी मेहंदी बालों में नहीं रहनी चाहिए, ऐसे ही वॉश करना आप। देखिए मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, अब देखिए अच्छे से साफ हो चुका था, मैंने कर लिया था वॉश। अब मैं क्या करूँगी, टॉवल से अपने बालों को लपेट लूँगी ताकि जो ऑरेंज ऑरेंज पानी निकलता है ना वो कपड़ों पर ना गिरे। तो बोलिए सिर मैंने विदाउट शैम्पू धोया है, लगे हाथ नहा भी लेती हूँ अब मैं, क्योंकि कपड़े भी सारे गंदे हो चुके हैं, तो नहा भी लेती हूँ साथ में। ये ब्रांड्स देखिए, नहा धो के हो गई हूँ फ्री, नहा ली, बाल भी धो लिए। देखिए विदाउट शैम्पू धोए हैं मैंने, कल तो थर्सडे है, कल नहीं धोऊंगी मैं, धोऊंगी अब अपने बाल शैम्पू के साथ फ्राइडे को। नहा भी ली, अब मैं बना लेती हूँ बैंगन का भरता, मतलब लंच बैंगन का भरता बनाऊंगी, दिखाती हूँ आपको रेसिपी मैं कि किस तरह से बनाती हूँ बैंगन का भरता। मतलब मैं बैंगन का भरता बिना छीले बनाती हूँ, मतलब बिना भुने हुए बनाती हूँ उन्हें। जैसे बैंगन होते हैं ना गोल बैंगन, आप चाहे लंबे बैंगन भी ले लो, चाहे गोल जैसे आपको ठीक लगे वैसे ले लो, उनके छिलके उतार के फिर उनको कट कर लेना छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके, फिर मैं दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ भरता। काफ़ी टेस्टी बनता है, बड़ा अच्छा बनता है भरता, आप उस तरीके से बना सकते हो। आजकल क्या है, बरसाते हैं ना, तो बैंगन बाहर से तो साफ होते हैं बट अंदर से क्या होता है, ख़राब होते हैं। तो बैंगन से अंदर से क्या होता है, ख़राब होते हैं, तो आप मतलब बैंगन को काट के भी बना सकते हैं उनका भरता, काफ़ी अच्छा बनता है। तो चलो करती हूँ अब आपके साथ में अपनी रेसिपी शेयर। साथ में बनाएंगे रायता, जो फुलोरियाँ होती हैं ना बूंदी, उसका रायता बनाएंगे साथ में। तो चलो करती हूँ शेयर आपके साथ अपनी रेसिपी। तो देखिए मैंने यहाँ पे बैंगन को अच्छे से कट कर लिया था, और यहाँ प्याज भी काट लिए थे, प्याज लंबे लंबे काटे थे। देखिए प्याज हमें इस तरीके से काटने हैं तभी मतलब हमारा भरता अच्छा बनेगा, टेस्टी बनेगा। प्याज को इस तरीके से काटे, दो टमाटर लिए थे, अब मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है, इसे अच्छे से गर्म करके इसमें ऐड कर देंगे हम जीरा। देखिए मैं ऐड कर दिया है जीरा, उसके बाद मैं यहाँ पे प्याज को ऐड कर दूँगी, लहसुन नहीं डालेंगे, वो आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहो तो डाल भी सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं डाल रही, बाकी आप देख लेना, आपने डालना हो तो डाल सकते हैं। यहाँ प्याज को भुनेंगे, मतलब 5 मिनट के लिए गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। देखिए मैंने 5 मिनट भुना था इन्हें ना, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हल्दी ऐड कर देंगे, और साथ में ही हम इसमें के टमाटर ऐड कर देंगे। हल्दी को ज़्यादा भूनना जलाना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगी। फिर देखिए मैंने इसमें ऐड किए थे ये हरी मिर्च और टमाटर काट के रखे थे, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक डालने से क्या होता है, जो टमाटर होते हैं ना वो गल जाते हैं, तो मैंने नमक जितना मेरे को चाहिए उतना मैंने ऐड कर दिया था टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अब इसे हम 5 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। और दूसरी तरफ देखिए मैंने यहाँ रायते के लिए दही तैयार कर लिया था, दही खट्टा था तो इसीलिए मैंने इसमें दूध डाला था। और देखिए इस तरफ क्या था, ये मसाले जो ये मसाला बनाया था मैंने, टमाटर वगैरह सॉफ्ट हो चुके थे, देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गया था, ये रंग इतना अच्छा लग रहा है इसका। अब मैं क्या करूँगी, जो रायता बना रही हूँ उसमें डाल दूँगी ये बूंदी, देखिए मैंने बूंदी डाल दी थी इसमें, ताकि जो बूंदी दही में डाल के सॉफ्ट हो जाए। जितने देर को मैं भरता बना रही थी उसके साथ में ये काम। दूसरी तरफ हमारा जो मसाला था वो भी तैयार हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये बैंगन जो काट के धो के रखे थे। देखिए बैंगन, अब हम क्या करेंगे, बैंगन को मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे, हम गैस की फ्लेम को तेज ही रखेंगे, जिससे कि जो मसाला बनाया है इस बैंगनों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। देखिए अब मैं गैस की फ्लेम जो तेज ही रखी है मैंने, इसे अच्छे से, और देखिए दूसरी साइड में प्याज काटे थे बारीक बारीक, वो भी मैं रायते में ऐड कर दूंगी। आप हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं की क्योंकि मैंने भरते में ठीक मिर्च डाली थी, फिर मैंने नमक ऐड किया। अब इसमें मैं क्या करूंगी, जो जीरा है तवे पे, जीरा और ये सूखा धनिया, इसे मतलब भून लूंगी अच्छे से। भूनने के बाद क्या करेंगे हम, देखिए अच्छे से भून चुके हैं, ज़्यादा जलाना नहीं है हमें इसे। अब हम इसे एक चकले बेलने पे उतार लेंगे, मैंने इस पर उतार लिया था, मेरे से थोड़ा जल भी गया था बट ज़्यादा नहीं जला था, ठीक ही था। तो हम इस पर ऐसे पीस लेंगे, आराम से पीस जाता है, एकदम बारीक हो जाता है, आप ऐसे पीस लेना, आराम से पीस जाएगा ये, क्योंकि भुना हुआ होता है ना तो आराम से पीस जाता है इसके अंदर। तो देखिए मैंने ये पीस लिया, अब इसको मैं रायते में ऐड कर दूँगी, सारा ऐड कर दूँगी।
इससे मतलब रायते का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, मतलब खुशबू ही अलग हो जाती है रायते की। तो देखिए मैंने इसे रायते में ऐड कर दिया और मेरा रायता मतलब इतना टेस्टी बना था ना इसे डालने के बाद। और दूसरी साइड देखिए भरता भी मतलब काफ़ी सॉफ्ट हो चुका था। अब गैस की फ्लेम जो मैंने मीडियम कर दी थी मीडियम कर दी, अब इसे ढक के पकने देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जब ये मतलब देखिए 5 मिनट के लिए मैंने ढक के रख दिया था। अब देखिए ये सॉफ्ट हो चुका है, मैंने इसे कड़छी की सहायता से मतलब हेल्प से इसे अच्छे से मैश कर लिया था। देखिए आराम से ये मतलब मैश हो रहा था, भरता तो भरते के जैसे ही अच्छा लगेगा ना, इसलिए बैंगन को जो ये बैंगन थी इसे अच्छे से मैश कर लिया। और देखिए तो बताइए आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, किस जिस तरीके से मैंने भरता बनाया बैंगन का आपको कैसा लगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अगर मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू रखूँगी तो काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा ये। तो ये देखिए गुड़िया बाय कर दो बेटू बाय। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में एक नया ब्लॉग लेके, बताना आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना और लाइक करना कमेंट करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और वीडियो बनाऊं इसीलिए। तो ठीक है फिर मिलती हूँ अपने आपसे मैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।